चार महीने गुजर गए, हुकूमत और अपोजिशन में पनामा लीक्स की गुत्थी सुलझ ना सकी। फ्रीकैन के दरमियान टीओआरएस के मामले पर तहार डेडलॉक बरकरार है। जराए कहते हैं कि हुकूमत अब अपोजिशन को मनाने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 में तरामीम पर गौर कर रही है। पनामा लीक्स की गुत्थी सुलझ ना सकी। अफशा होने वाले पेपर्स में बड़े बड़े नाम सामने आए तो आलमी मंजरनामे पर हलचल मच गई। पाकिस्तान में भी अपोजिशन जमातों ने वावेला शुरू कर दिया। शरीफ खानदान, इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और दीगर सैकड़ों अफराद के नाम सामने आने पर तहकीकात का फैसला किया गया, लेकिन मामला टर्म ऑफ रेफरेंस पर आकर अटक गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टीओआरएस के मामले पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का अपोजिशन को मनाने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 में तरामीम पर गौर किया जा रहा है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 में तरामीम के लिए बिल के मुसवदे पर काम शुरू कर दिया गया है। जराए का ये भी कहना है कि बिल के तहत 1956 के एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन मजीद बाइख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन को सिफारिशात के साथ कार्रवाई करने का भी इख्तियार देने पर गौर किया जा रहा है। जराए के मुताबिक हुकूमत का कौमी असेंबली के रवां इजलास में बिल पेश करने पर गौर होगा।